हम एक्सरसाइज 9.4 पढ़ा रहे थे, उसमें क्या है गुणनफल ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है गुणनफल ज्ञात कीजिए, पहला है क्वेश्चन, ये देखिए ये दूसरा दिया है, ये तीसरा, ये चौथा। तो दूसरे क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन दिए हैं। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वो समझे कैसे करेंगे। ओके, तो सॉल्व पहला क्या दिया हुआ है, नंबर फर्स्ट 5 - 2 years गुणे, गुणनफल है तो गुणे का साइन लगा देंगे, 3 + years। अब देखिए इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 5, ये पूरा टर्म लिख दीजिए, 3 + years -2 years। देखिए पहले का मल्टीप्लाई पूरे में, फिर क्या है -2 years का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 + years। चलिए गुणा कर लीजिए, इसमें 5 में 3 का गुणा करेंगे, 5 + 3 = 15 प्लस 5 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x है, देख लीजिए 5 × x इक्वल टू क्या होगा, 5x हो गया। माइनस अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 6x, ये माइनस हो गया, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस है प्लस है, तो आप जानते होंगे -×-, दोनों में माइनस माइनस की गुणा करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाता है प्लस, हो जाएगा प्लस, हो जाएगा -×+, तो क्या होगा माइनस होगा, और +×- क्या होगा, ये भी होगा माइनस हो जाएगा, लेकिन +×+। अब देखिए प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, ये हमेशा याद रखें -×- और माइनस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, और ये देखिए प्लस माइनस में तब भी माइनस होगा, ये माइनस होगा, और दोनों प्लस है तब तो ऑलरेडी प्लस होगा, ये फार्मूला याद रखें। अब देखिए इसी तरह से ये है माइनस, ये है प्लस, तो क्या हो जाएगा 2x में एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 2x² होगा। ओके, अब देखिए इक्वल टू क्या लिखेंगे, 15, ये है -6x + 5x, तो -x - 2x² तो इसका क्या हो गया, इसका आंसर। समझ में बात आ गई, आप ऐसे करें तो भी सही है, और नहीं तो ये देखिए ये मेथड कैसे हम करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं गुणा तो जानते ही होंगे ना, 56, 32 इसका मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं, जैसे आप ये हमें लिखना है तो ऐसे लिखना, क्या लिखेंगे 5 - 2 years गुणे क्या होगा, 3 + x हो गया। चलिए आप इसको इधर से करें इधर से करें, आंसर में कोई गलती नहीं, कोई रंग नहीं, देखिए चलिए हम इधर से ही कर देते हैं, आप इधर से करते हैं तो इसमें क्या होगा, 5 × 3 = 15 होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या होगा, 6x हो गया। ठीक, अब देखिए इसका इसमें करेंगे तो होगा क्या, -2x², x² कहीं नहीं है तो x, अगर मान लीजिए x के गुणांक में आता एक कॉर्न तो x के नीचे कांस्टेंट टर्म आता तो यहाँ लिखते, तो हम क्या लिख देंगे -2x², फिर x का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5x हो गया। अब इनको जोड़ दीजिए, ये देखिए 15 हो गया, और 5x में से 6x को -6x में से 5x तो -x होगा, और -2x², ये देखिए ये दोनों जो ये चीज़ है वह ये भी चीज़ है, दोनों के आंसर सेम, तो आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों तरीका आपको जानना है कैसे हम सॉल्व करते हैं, जो आपको अच्छा लगे जो इजी से कर ले उसको हम करें। ठीक है, ये हो गया।
ये पहला हो गया। नंबर दूसरा, ए एक्स प्लस सेवन वाई इंटू सेवन एक्स माइनस वाई। ओके, तो जब देखिए इसका पहले एक्स में, अब ये दोनों तरह से कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स एक्स प्लस सेवन वाई। इसको देखिए तरीका क्या है, आप फैक्टर जानते हैं ना, क्या चीज़ ए प्लस बी और दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी इक्वल टू क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए इस फार्मूले का यूज़ यहाँ देखिए, इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर दे रहे हैं, सेवन वाई प्लस एक्स। अब देखिए एक्स अगर प्लस है और दोनों प्लस है तो आप इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें, कोई मतलब नहीं होता। ओके, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद से हम क्या करें, इंटू यहाँ होगा सेवन एक्स माइनस वाई। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये भी फार्मूला याद कर लीजिए, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और तीसरा फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, अभी बात समझ में, तो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। और दूसरा क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस और ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस। चलिए इतना तक आप याद करें, फिर जो है हम चलिए यहाँ मल्टीप्लाई करें। पहले काम क्या करेंगे, सेवन वाई सेवन वाई सेवन एक्स माइनस वाई हो गया प्लस एक्स, तो ये क्या होगा सेवन एक्स माइनस वाई। चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ, तो सात सत्य उनचास एक्स वाई माइनस सेवन वाई स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस सेवन एक्स स्क्वायर, फिर इसमें क्या करेंगे माइनस एक्स और वाई। ये देखिए ये माइनस फोर्टी नाइन एक्स वाई है, माइनस एक्स वाई कितना होगा फोर्टी एट एक्स वाई माइनस सेवन वाई स्क्वायर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया इसका आंसर। ये फार्मूले सब याद कर लीजिए, कहीं ना कहीं इसकी क्या होगी ज़रूरत पड़ती है। तो समझ में आ गई बात, हमने यहाँ थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, यही आंसर होगा। आप इसको आर्डर में लिखना चाहें आर, तो क्या लिखेंगे यहाँ, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस सेवन वाई स्क्वायर प्लस फोर्टी एट एक्स। ये देखिए आप इसी टर्म को इधर लिखते हो इधर लिखते हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका साइन नहीं बदलना चाहिए। अगर माइनस सेवन वाई स्क्वायर है तो माइनस चाहे आप इधर लिखें या उधर लिखें कोई मतलब नहीं। बात समझ में आ गई, तो एक क्वेश्चन नंबर का हो सा है सिर्फ। देखिए थर्ड क्वेश्चन नंबर, थर्ड में क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी और दूसरे में ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी। यहाँ देखिए प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, ए प्लस बी स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर इसका पावर एक है तो क्या हो जाएगा ए पे पावर तीन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बी ए बी ए लिखें या ए बी लिखें, कोई दोनों का मतलब एक ही होता है प्लस बी क्यू।
इसका क्या हो गया, इसका आंसर। ओके, अब देखिए इसको जैसे हमने बताया कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी, और दूसरे में क्या होगा, ए प्लस बी स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करिए, आर ये मेथड या ये मेथड, ए क्यू प्लस ए बी हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे, प्लस बी क्यू। देखिए बी क्यू कहीं नहीं है, अगर मान लो ये बी क्यू होता तो बी क्यू के हम नीचे लिखते, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कहीं नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको ऐड कर दें, कहीं माइनस है नहीं तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस ए बी प्लस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए यही टर्म ये चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा ये पहले है ये बाद में है, तो थोड़ा ये अंतर आएगा, लेकिन आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो अगर इसका साइन देखा जाता है कि ये प्लस है तो प्लस ही है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड ओवर हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू टू पी प्लस क्यू हो गया। चलिए इक्वल टू पी स्क्वायर में पूरे टू पी प्लस क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, आइए क्या होगा, टू पी प्लस क्यू। चलिए अब मल्टीप्लाई करें यहाँ पर तो टू पी क्यू, फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस पी स्क्वायर क्यू, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू पे पावर तीन। देखिए यहाँ क्यू पे पावर एक, यहाँ एक, तो पी पे पावर तीन हो गया। ये इसका क्या हो गया, बात समझ में आ गई, गुणनफल। तो बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये क्वेश्चन सब आएंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री सरल कीजिए, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री सरल कीजिए, सरल कीजिए। अब सरल कीजिए क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, और दूसरा है ए एक्स प्लस फाइव इक्वल प्लस 25। नंबर सेकंड क्या है, ए स्क्वायर प्लस फाइव, ए स्क्वायर प्लस फाइव, और बी क्यू प्लस थ्री, और ये हुआ प्लस फाइव है। थर्ड जो दिया है, थर्ड है टी प्लस एस स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में है टी स्क्वायर माइनस एस। देखिए ये पहले इतना देख लीजिए तब आगे क्वेश्चन बताएंगे। सॉल्व, इसका सॉल्यूशन देखें, नंबर फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक ब्रैकेट में है, और दूसरे में एक्स प्लस फाइव और प्लस 25। ओके, तो ये देखिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करना है, इसको ऐड करना है। ओके, तो क्या लिखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करना है, एक्स प्लस फाइव माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव प्लस 25।
चलिए मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर में एक्स का क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फाइव और इसमें करेंगे माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव ये प्लस ट्वेंटी फाइव माइनस कैंसिल हो गया। असल में साइन इक्वल का लगा देंगे तो ये क्या होगा एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स, इसका क्या होगा आंसर। समझ में आया क्वेश्चन को क्या किया हमने, पहले इसमें क्या कर लिया है मल्टीप्लाई किया होगा, मल्टीप्लाई करके ये जो कटने वाला है कट गया और जो जोड़ने वाला है वो जोड़ गया। ओके अब ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स। यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस फाइव बी क्यूब प्लस थ्री प्लस फाइव, देखिए बहुत आसान है तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे बी क्यूब प्लस थ्री प्लस फाइव बी क्यूब प्लस थ्री आइए होगा प्लस फाइव। चलिए ए स्क्वायर बी क्यूब तो ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें थ्री ए स्क्वायर प्लस फाइव बी क्यूब, ये देखिए फाइव बी क्यूब प्लस पाँच हैं पंद्रह प्लस पाँच इक्वल इक्वल का साइन लगा देंगे ए स्क्वायर बी क्यूब थ्री ए स्क्वायर फाइव बी क्यूब प्लस ट्वेंटी, इसका क्या हो गया इसका आंसर। ओके ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए एक क्या छोड़े वो भी देख लें, थर्ड तक हो गया अब आगे जो है इसमें फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ ये जो है नेक्स्ट करेंगे, ये थर्ड जल्दी से देख लें टी प्लस एस स्क्वायर और टी स्क्वायर माइनस एस इक्वल टू टी ब्रैकेट में लिख दें टी स्क्वायर माइनस एस प्लस एस स्क्वायर, ये फाइव नहीं एस है टी स्क्वायर माइनस एस। चलिए यहाँ टी स्क्वायर टी टी क्यू माइनस टी एस प्लस एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस एस क्यू यानी एस स्क्वायर एस, तो इस तरह से आप ये सरल कीजिए। अब इसमें एक क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर फोर फिफ्थ और सिक्स बचा हुआ है सेवेंथ ईयर, तो ये नेक्स्ट डे बताएंगे, तब तक आप इतना करें एक्सरसाइज 9.4। अगर अपने मन से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, हमने जो क्वेश्चन अभी बताया मानक सर्वसमिकाएं ए प्लस बी आगे ये सब दिया हुआ है ए प्लस बी और ये, तो आगे याद करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके थैंक यू।